उत्तराखंड देव भूमि में लगातार लव जिहाद अपने पैर पसार रहा है, वहीं नई तमरे पहाड़ में लव जिहाद के मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24x7 न्यूज। देव भूमि को लगातार किया जा रहा है शर्मसार। आपको बता दें कि जहां एक बड़ा मामला टीरी गढ़वाल के पट्टी बड़ियारगढ़ के क्षेत्र का है, जहां दिल जफर नाम के मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को अपने लव जिहाद के जाल में फंसा लिया। वहीं आपको बता दें कि यह पूरा मामला नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक बिहार का रहने वाला है और रोजगार के चलते यहां काम करने आया हुआ था। वहीं यह बात भी सामने आई है कि युवक किसी अन्य समुदाय का बताया जा रहा है। वहीं जब स्थानीय जनता व सनातन धर्म रक्षकों को इस बारे में पता चला तो स्थानीय लोगों ने युवक को उसके घर में जाकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर डाली। वहीं मुंह काला कर और उसके सर के बाल मुंडवा कर उसे सरेआम बाजार में घुमाया गया और अंत में राजस्व पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं राजस्व पुलिस ने इस मामले को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरण कर दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई अब रेगुलर पुलिस द्वारा इस मामले में की जा रही है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसको मैंने एक साल पहले समझा था पार धार में, मैंने कहा बेटा मैं तेरे से पैनी नजर है, समझाया था इसको काम करने का। हमने भी समझाया था इसको, काम हम दोनों बैठे हैं, इसको समझाया था है ना। अब वो सात महीने की लड़की है, सात महीने नहीं था वो लड़की। अब बताओ आप एक्सेप्ट कर चुका है इस बात को? एक्सेप्ट भी कर चुका है हमें, नहीं है पहले खुद ही बोल रहे हैं। अरे क्यों फंसाए हम इनके सालों में हॉस्पिटल में, हाथ में अपनी बच्ची को पहला कुछ क्यों दिए हम? गरीब आदमी नाबालिग है वो बच्ची। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। वही मौके पर पहुंचे एसडीएम देहरादून ने अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन देहरादून